नमस्कार। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से कई अहम फैसले लिए हैं। धारा 370 को हटाना, असवा कानून में कई क्षेत्रों में राहत देना, नोटबंदी, जीएसटी, सीएए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, कृषि कानून। हालांकि देखिए, इस कानून को अब वापस लिया गया है। ये वो तमाम मुद्दे और देखिए फैसले हैं जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस जमकर हुई है। और कई बार तो देखिए इन फैसलों से नाराज लोगों ने सड़कों पर इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। खैर, एक और मुद्दा है जो केंद्र की मोदी सरकार के लिए चुनौती है और उसे किसी भी हालत में मोदी सरकार पूरा भी करना चाहती है, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। जी हाँ, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चल रही बहस के बीच अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी को बकायदा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी की एक कॉपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी है। इस चिट्ठी में देखिए मुस्लिम समुदाय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न करने की अपील की गई और बोर्ड ने अपील करते हुए ये कहा कि इस गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा और संवाद की जरूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान की ओर से लिखी गई देखिए चिट्ठी में कहा गया, देश में समस्त धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी की संवैधानिक अनुमति है। मुस्लिम समुदाय सहित कई समुदायों को अपनी धार्मिक विधि के अनुसार शादी और तलाक के अधिकार देश की आजादी के पहले से मिले हुए हैं। मुस्लिम समुदाय को 1937 से इस संबंध में मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। तो भीमराव अंबेडकर के एक वक्तव्य को याद दिलाते हुए चिट्ठी में देखिए आगे भी लिखा गया कि आजादी के बाद भी संविधान सभा में इस संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड हुई बहस में प्रस्तावना समिति के चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि सरकार इसे धार्मिक समुदाय पर छोड़ दे और सहमति बनने तक इसे लागू ना करे। चिट्ठी में देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कई तरह के सवाल हैं, समाज और धार्मिक समूहों में चर्चा के बिना कोई भी धार्मिक समूह इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय की निकाह और तलाक समेत महिलाओं के संपत्ति में अधिकार जैसे विषय क्या समाप्त हो जाएंगे या फिर वो किस कानून के अनुरूप खत्म होंगे। धार्मिक मामलों में मुस्लिम समुदाय के निकाह, तलाक, महिलाओं का संपत्ति में हक जैसे अधिकार मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट 1937 से लेकर भारतीय संविधान में स्थापित है और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में उसके साथ छेड़छाड़ की क्या आवश्यकता है। तो बोर्ड ने देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक और बयान का हवाला देते हुए ये भी कहा, अंबेडकर ने संविधान सभा में ये भी कहा था कि राज्य या केंद्र सरकार इसे लागू करने के पूर्व धार्मिक समुदाय या उनके धर्म गुरुओं से चर्चा के बाद ही इसे लागू करने का निर्णय ले और इसे जबरन थोपने का प्रयास उचित नहीं होगा। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देखिए बोर्ड ने अपना सख्त एतराज जताया है और बाकायदा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस विषय पर बातचीत करने की अपील की है। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी इस चिट्ठी का जवाब क्या देते हैं।